सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल निखिल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, काफ़ी लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि बैटरी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे SF और एक्साइड। तो दोस्तों SF और एक्साइड बैटरी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है बताऊँगा आपको। और दोस्तों जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि SF और एक्साइड दोनों एक ही ब्रांड है। SF लोकल ब्रांड नहीं है, एक्साइड का ब्रांड है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, और जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि SF एक्साइड कहाँ पे बनती है तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपने अपने एक्साइड बैटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो वो भी कैसे करेंगे उसकी भी कुछ बातें मैं आपको अंत में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि SF और एक्साइड दोनों बैटरी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। मेरे दोस्त है प्रिंस आरंग, उन्होंने मुझे कमेंट करा था कि उन्होंने बोला था कि SF एक्साइड को बना के देता है, तो उनका जवाब थोड़ा सा बराबर है, तो वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों SF बैटरी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, पहले आपको बता दूँ, महाराष्ट्र में स्थित चिंचवड़ और तलोजा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, और चिंचवड़ में पुणे में, तो यहाँ पे बनती है SF की बैटरी। तो चिंचवड़ में बनती है मोटरसाइकिल, जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं टू व्हीलर, उसकी बैटरी बनती है चिंचवड़ में, और वही तलोजा में बनती है मोटरसाइकिल और ऑटोमोटिव की। ऑटोमोटिव मीन्स फोर व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी जितने भी ऑटोमोटिव की बैटरी है वो तलोजा में बनती है। मीन्स तलोजा में दोनों बनती है, मोटरसाइकिल और ऑटोमोटिव, और चिंचवड़ में सिर्फ मोटरसाइकिल बनती है SF की। तो दोस्तों वही मैं और आपको बता दूँ कि SF और एक्साइड दोनों की एक ही जगह पे बनती है और टीम एक ही है। तो दोस्तों मैं पूरा सविस्तर बताऊँगा आपको, पहले मैं इसकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे वो बता दूँगा आपको। तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल 9 फैक्ट्री है, जिसमें से 7 फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव मीन्स बैटरीज बनाती है, और 2 प्लांट में होम UPS इन्वर्टर बनाती है, जो UPS इन्वर्टर यूज़ करते हो वो दो सेक्शन अलग है, तो वही मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं सविस्तर। वेस्ट बंगाल में श्यामनगर और हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में दो जगह पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हरियाणा में बवाल जगह है, वहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में, जब भी मैंने आपको बताया चिंचवड़, पुणे डिस्ट्रिक्ट, तलोजा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और अहमदनगर में। देन उसके बाद तमिलनाडु में बनती है, तमिलनाडु में हुजर में बनती है, हुसूर में बनती है, डिस्ट्रिक्ट धर्मपुर में बनती है। देन में उत्तराखंड में बनती है, उत्तराखंड में रानीपुर और रुड़की में, जो हरिद्वार में स्थित है, तो वहाँ पे बनती है। तो ये हो गया। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था SF जो बैटरी बनाती है चिंचवड़ और तलुजा में, तो एक्साइड की और SF की जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो एक ही है। तो दोस्तों बस इसका जो सेल्स का पार्ट है, मीन सेल्स की टीम है, वो अलग होती है। जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में तो उसकी जो टीम काम करती है, तो SF की टीम अलग है और एक्साइड की टीम अलग है, पर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एक ही है। जैसे जहाँ पे SF की बैटरी बनती है चिंचवड़ तलोजा में, वहाँ पे एक्साइड की भी बैटरी बनती है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो सारंग जी ने क्वेश्चन करा था कि SF एक्साइड बनाती है, तो दोनों टीम एक ही है, दोनों ही टीम एक ही है, तो दोनों ही एक ही जगह पर बनाती है। और जितने भी मैंने फैक्ट्री की बात करी है वहाँ पे सभी जगह पे रुड़की और रानीपुर में छोड़ के वहाँ पे होम यूपीएस इन्वर्टर बनते हैं, वो दो जगह छोड़ के बाकी जितने भी मैंने आपको 7 जगह बताई है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे बैटरीज बनती है। तो SF और एक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग टीम एक ही है, तो दोनों ना SF एक्साइड को बना के देती है ना एक्साइड SF को बना के देती है, दोनों टीम एक ही है। तो दोस्तों ये जान लीजिए दोनों एक ही कंपनी है, तो दोनों मिलके काम करते हैं। देन मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने आपको बोला था कि बैटरी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन। तो दोस्तों अगर आप कहीं से बैटरी परचेस करते हैं, और अगर किसी ने बैटरी परचेस कराया उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा नियरेस्ट शॉप में, या फिर आपने जहाँ से बैटरी परचेस कराया, आपने जहाँ से बैटरी परचेस कराया वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, या फिर वो काफ़ी दूर होगा या कहीं पे होगा, या आपके घर के पास में कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होगा जो ऑथराइज्ड होगा एक्साइड डीलर, तो उसके पास जाइए। तो उसके पास जाने के बाद आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दे। तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपको बैटरी का सीरियल नंबर ज़रूरी है, जो आपके बैटरी पर लिखा होगा या आपको बॉक्स मिला होगा उस पर लिखा होगा। उसके बाद में सीरियल नंबर होने के बाद में मोबाइल नंबर की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद में आपका व्हीकल नंबर, जैसे MH 31 जो भी है आपका कार का है या फिर टू व्हीलर का, वो पूरा नंबर लिख लीजिए आप, उनके पास लेके जाइए। देन उसके बाद में
OTP आएगा, वो मतलब उनके पास में ही एक डाटा है, वो अपने यहाँ से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। तो उनके पास जाके आप कर सक आप उनके पास जाके करिए, खुद से नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं बोलते हैं तो ये कैसे, ये सर्विस ऑल ओवर इंडिया में है, आपकी बैटरी कोई ख़राब होती है तो सर्विस ऑल ओवर इंडिया में मिलती है, तो कोई भी ये करके देगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद ये एक्साइड कंपनी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर आपने अपने बैटरी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो जाके करवा लीजिए, या फिर अगर जो कोई बैटरी खरीदना चाहते हैं और आप खरीदते हैं तो उनके पास जाके उनको कहिए कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दे, और ये आप ध्यान से करवा लीजिए। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो चीज़ें लगने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो मैंने आपको बातें बताई है SF और एक्साइड के प्लांट्स के बारे में, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्साइड और SF दोनों टीम मिलकर काम कर रही है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों आपको और कोई क्वेश्चन या सवाल या जवाब होंगे तो आप कमेंट करें, या एक्साइड या SF के बारे में और कोई आपको जानकारी होंगी, जो भी मेरे दोस्त को जानकारी होंगी वो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सवाल होगा तो मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसका वीडियो बना के लाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेक्निकल निखिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।